अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के खुलते जैसे खुला है वैसे बाहर से पेशेंट आने लगे हैं और मरीज़ ज़्यादा ज़्यादा मिल रहे हैं। इससे आपसे निवेदन है कि आप कम से कम बाहर निकलें और बिना ज़रूरत बाहर ना मत निकलें, और जब भी बाहर निकलें मास्क लगाकर और ग्लव्स पहनकर बाहर निकलें और एक दूसरे से दूरी बना रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना रखें, और भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाएं और एक दूसरे की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि इस वक्त सबका कारोबार ठप है, सबका कारोबार बंद हो गया है, बहुत लोग परेशान हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए, सबका कारोबार ठप है, कितने बेरोज़गार हो गए हैं, किस कदर मुश्किलात परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इससे आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। अब लॉकडाउन काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, मस्जिदें बंद पड़ी हैं, जुमे की नमाज़ हम लोग ना पढ़ सकें, ईद की नमाज़ ना पढ़ सकें, बहुत ही अफसोस का वक्त है ये, बहुत ही परेशानियाँ, बहुत ही मुश्किलात हैं। हम सबको चाहिए कि अल्लाह से गुज़ार कर दुआ करें और सबको नमाज की पाबंद करना चाहिए, नमाज की पाबंद करें और तौबा इस्तग़फ़ार कर अल्लाह से दुआ करें। तमाम माता मुस्लिम मात की अल्लाह हिफाजत कर, पूरी कायनात में सबकी परेशानी दूर करे, सबकी हर मुश्किल दूर करे, सबकी हर परेशानी दूर करे। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई नई वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। इस पर आपको दीन की मालूमात दी जाती है, जानकारी दी जाती है, और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।